कि 3 दिन का प्रोग्राम है वहां पे, तो उनको स्मेल आना शुरू हो जाएगा। तो 3 व्यक्ति वहां से आ रहे हैं कि हमें स्मेल नहीं आती। तो मैंने कहा ठीक है, 3 व्यक्तियों को शुरू किया। और मजे की बात है कि थर्ड डे ही वो स्मेल आ गई, फर्स्ट डे स्मेल आ गई, थर्ड डे तो किया ही नहीं, फर्स्ट डे ही आ गई स्मेल। बहुत मजा आया हमें। तो फिर थर्ड डे जब उनको प्रैक्टिकल दिखा रहे थे, तो मैंने बोला कि अभी आप में से कोई है, और तो कोई नए आए हुए थे, वो बोले हाँ मेरे को भी स्मेल नहीं आती। मैं कहा अच्छा पाउडर है किसी के पास? तो एक लड़की बोली मेरे पास पाउडर है, साबुन है पाउडर नहीं। मैं कहा अच्छा लो कौन सा अलग से है? उसने नल निकाल दिए, छोटा सा रखा था, कहीं लेटरिन वेटरिन जाने का, इधर साबुन नहीं मिलता। तो उसी टाइम हमने 3 बार दिया, 1 मिनट बोला, फर्स्ट दिया और 3 मिनट के बाद सेकंड दिया, 3 मिनट के बाद थर्ड दिया। उसने बोला कि लग्स की मेरे को खुशबू आ रही है। 1 मेडुला देने से इफेक्टिव नर्व, मतलब जो श्वास नली का था जो है ये उसका है, तो ये श्वास नली का था, एक ट्रीटमेंट दिया और ये जो ट्रीटमेंट होगा ये इफेक्टिव नर्व को जाएगा। और इफेक्टिव जो पार्ट है उनको बोले आज वो निकाल के रखेंगे रामचंद्र जी, कि कौन कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ करता है, 12 पार्ट्स वो छांट देंगे और 12 ट्रिलियन नर्व्स का वो हिसाब बना रहे हैं कि आप ये बता दो और उसमें क्या गुण या गुण हैं वो सब समझ में आया। तो इधर भी जो 159 पेज अभी दिए ना, ये दिखाओ मेरे को, जब भी हम जाएंगे इसमें अलग अलग पार्ट है यहाँ पे, समझ आया? ऐसा वो दूसरा है, एक और किताब है मेरे पास, ले आएगा आपको दिखाएगा कि यहाँ पे इतने पार्ट पे वो केमिकल चलेगा, इतने पार्ट पे दूसरा केमिकल चलेगा, इतने पार्ट पे तीसरा केमिकल चलेगा, जो जो है वो सब उसमें लिखा हुआ है। सिट्रुलाइन यहाँ यूज होगी, इधर डोपामाइन बनेगा, इधर वो बनेगा, वो सारा उन्होंने दिया हुआ है, वो आप सब बना सकते हैं, समझ आया? इसमें नहीं है, वो अलग है एक, जिसमें तो क्या नाम है कैलेंडर का जो है ना, उसमें दिया हुआ, उसमें मैंने उसका आपको मुकेश बाबू आपने उसका दिया था जेरॉक्स। हाँ नहीं, ये जो है वो ब्रेन के कौन से पोर्शन में डोपामाइन सप्लाई कैलेंडर के अंदर है वो आपको दे दूंगा, आपके पास है बना हुआ जेरॉक्स, मैंने निकाल के दिया होगा। वो जो इतने पार्ट में, क्योंकि डोपामाइन का काम है रोकने का। अब एक नंबर का जो है, ये आप खाना खाते हैं तो यहाँ पे बताया था कि उन्होंने खाना खाते हैं तो जबान के ऊपर 9 होल है, पता है ना उसे टेस्ट बड्स कहते हैं, पता है ना आपको सबको कि टेस्ट बड, जब खाना उसके ऊपर जाएगा तो वो एब्जॉर्ब करेगा और वो चला जाएगा नीचे, रस नीचे जाएगा। जब वो जाएगा तो श्वास आप ले रहे हैं, जब श्वास लेंगे तो अंदर जाएगा और वो श्वास नाक के रास्ते बाहर जाएगा, जब नाक के रास्ते से श्वास बाहर जाएगा तो ऊपर 2 बल्ब हैं दिखाए गए, उन्होंने 2 बल्ब हैं, बल्ब मीन्स ऐसे 2 बल्ब हैं, बल्ब से लगे हुए जैसा ये बल्ब है, ये ऐसे 2 बल्ब हैं, एक इधर की साइड एक नाक उधर की साइड, जब उसके ऊपर ऐसा हवा जाएगी तो उसमें खुशबू भी होगी। अभी आपका आँख बंद कर देवे तो यहाँ पेपर जलाए तो पेपर के धुएं में कुछ खुशबू आएगी तो नहीं जी, और आपका आँख बंद कर देवे तो आपको पूछे कि ये कौन सी खुशबू है तो आप बता सकते हैं कि ये पेपर जलेगी है। अगर कपड़ा जलाएंगे उसका धुआं निकलेगा तो आप कहेंगे कि ये, और चावल जल जाएगा तो भी आप कहेंगे कि ये चावल जलने की खुशबू है, दूध जलेगा तो उसकी स्मेल अलग है। और आपके नाक के आगे अगर गुलाब का फूल रख दिया जाए तो आप कह सकते हैं ना आसानी से कि ये गुलाब का खुशबू है। और केसू का फूल है जो क्या बोले गेंदा, अगर आपके नाक के ऊपर रख दिया जाएगा तो आप ये कहेंगे गेंदे का, जबकि आंखें बंद हैं तो आप कैसे कह दिया कि ये गेंदा है, Smell. ये रबड़ जला है, ये मोटरसाइकिल का खुशबू है, ये कैसे Smell. ये आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी है, अंडरस्टैंड, वो मेमोरी है जो आपने अपनी 26 साल की उम्र या 35 साल की उम्र में जो आपने गुजारा है उसमें जला जला देखा है और उसकी खुशबू आपकी नाक में आती है। जब नाक में आती है तो वो मेमोरी बता देती है कि ये गुलाब है या ये गेंदा है। अगर लैट्रिन को नाक के पास आप रख दे तो आप बता सकते हैं कि ये लैट्रिन गंदी पास है। पेशाब का अलग खुशबू होता है, आप बोल देते हैं ये पेशाब है,
मतलब ये सब हमें मेमोरी के अंदर रहता है। वो जो एल्फेक्टरी नर्व के ऊपर जाएगा तो नीचे से हवा ऐसी जाएगी, उसमें से जब नाक में से पानी निकलेगा।